जैसे जैसे पेपर पास में आते हैं तो पेपर के बारे में सारी बातें, पेपर के बारे में क्वेश्चंस, उनका सिलेबस, ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। बच्चे को थोड़ा सा डर लगने लगता है, वो चाहता है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि निमसेट के लिए हमने लोगों ने दो अभी एनालिसिस अपलोड की हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया, बहुत सारे लोगों ने उसको अच्छे वे में लिया है, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है कि अभी सबसे पहले जेएनयू का एनालिसिस करो। जेएनयू और निमसेट का एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट है। मैं पहले बता दूं कि जेएनयू और निमसेट के एनालिसिस में डिफरेंट क्या है, वो सारी बातें जानने के बाद ही आप इस चार्ट को सही से समझ पाएंगे। ये चार्ट बनाया गया है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि सीधे सीधे लाइन खींच दी गई हूँ, हाँ, मगर देखा जाए तो बहुत अच्छा राइटिंग है, ये मेरा नहीं है और विजुअल भी है, बट इतना आसान नहीं होता है। निमसेट का एनालिसिस करना थोड़ा सा आसान था, जेएनयू का एनालिसिस करना आसान इसलिए नहीं है कि आपको देख, आप यहाँ पे डेट देखें 1998, मतलब सीधा सीधा 20 ईयर्स हो गए, 2018 लाइक 18 फिर ना 8 फिर 98 ना 20 साल, 20 ईयर्स के पेपर का एनालिसिस करना, समझ रहे ना आप। और फिर कितना चेंजेस हुए 1998 में, कंप्यूटर की क्रांति कहाँ रही होगी, कंप्यूटर का क्या डिमांड होगा, और 2018 में आप खड़े हैं, तो कंप्यूटर आगे 5 साल के फ्यूचर को कहाँ पर ले जा रहा है, ठीक है, ये बहुत अलग अलग बातें हैं, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। फिर भी एनालिसिस का मतलब है कि शुरुआत से एनालिसिस की जाए, फिर भी हम लोगों ने वहाँ से प्रयास किया है, 1998 से लेके 2013 तक अभी ला पाए हैं, फिर 2013 से आगे की जर्नी को आपके सामने लाएंगे। पेपर में काफ़ी सारे चेंजेस आए, जेएनयू जब शुरुआत हुई थी तो कम क्वेश्चंस आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते थे, फिर धीमे धीमे पेपर्स को जैसा कि एग्ज़ाम की डिमांड हुई होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बढ़ाया गया, फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आए, फिर फुली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे। ऑब्जेक्टिव में कंप्यूटर का पार्ट 120 क्वेश्चन पहले आया करते थे, हमारे टाइम पे 2008 या 2005 का जो दौर था 120 क्वेश्चन आते थे। ये सारी बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, इनका बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि एनालिसिस बेसिस होती है कि लास्ट एग्जाम पर, लास्ट के पेपर्स पे, मगर पेपर का अपडेशन कितना क्या हुआ है आपको समझना होगा, मगर ये भी देखना होगा कि लास्ट ईयर पहले पहले क्या माइंडसेट था। पेपर से एग्जाम का माइंडसेट और एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आता है, और उस यूनिवर्सिटी और उस एग्जाम का भी एक हमारा माइंडसेट समझ में आता है। प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी को आप आईआईटी जेई में लेते हैं, प्रोबेबिलिटी को निमसेट में लेते हैं, प्रोबेबिलिटी को यूपीटी में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी को एनडीए सीडीएस में देखते हैं, तो ये अलग अलग परसेप्शंस हैं। तो आपको उस एग्जाम से जज करना पड़ेगा कि पेपर का लेवल क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने होंगे, हर जगह नंबर ऑफ क्वेश्चन वैरी करते हैं, तो निमसेट और जेएनयू थोड़ा अलग अलग है। और एक और बात बता दें कि जेएनयू में जब भी आप जेएनयू का एग्जाम देते हैं तो बहुत सीरियस होकर दें, बात ये नहीं कि आपका 60% है या नहीं है। हमने हमेशा, मैंने खुद अपना अपने टाइम पर और अभी तक का एनालिसिस देखा है कि जेएनयू का एग्जाम निमसेट से पहले होता है, और जेएनयू में अच्छा कॉम्पिटिशन होता है, जेएनयू में जो रैंक लाता है उसका निमसेट में टॉप 20, टॉप 30 या टॉपर्स में से डिसाइड होते हैं। तो जेएनयू का एग्जाम आपके लिए जिनका 60% नहीं है और जिनका 60% है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी निमसेट से पहले एक अच्छा एग्जाम होगा, अच्छे एग्जाम को आप अच्छे लेवल पे कर पाएंगे तो निमसेट का एग्जाम भी अच्छे से जाएगा। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका 60% है, जो निमसेट में टारगेट कर रहे हैं वो जेएनयू को बहुत सीरियसली एग्जाम दे। मेरे सारे टॉपर्स, मेरे सारे वो सारे टॉपर्स और मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे इट्स सिर्फ मी, मैंने ये जज किया है कि जिन्होंने भी फर्स्ट लिस्ट में जेएनयू के एग्जाम में क्रैक किया है उनका 100% निमसेट में टॉप 50 या टॉप 100 में वो रहे हैं, ये श्योर है, ये सर्टेन हो जाता है कि वहां से आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं और उसी को हिट कर ले जाते हैं। चलिए पेपर के एनालिसिस 1998 से लेके 2013 तक की जर्नी है। सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 120 क्वेश्चंस 2013 तक रहे, आप मैट्रिक्स देख सकते हैं किस ईयर में कितने क्वेश्चंस हैं, इवन 14 क्वेश्चंस भी एक एक एग्ज़ाम में, जब 120 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें 13 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रहे। पेपर का जो मैट्रिक्स है और वेटेज है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और निगेटिव में -1 होता है, तो यानी कि निमसेट जो 12 और 4 का कैलकुलेशन उसको यहाँ पे चेंज करेंगे, 4 नंबर का होगा, बराबर वेटेज पे होगा, कंप्यूटर रीजनिंग कोई भी हायरार्की नहीं है, सब समान लेवल पे है। ये बातें सारी एक अलग वीडियो में लाएंगे कि जेएनयू का पेपर का वेटेज और रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है, लिस्ट कैसे बनती है, वो एक अलग पार्ट है। फिर दूसरे टॉपिक को ले रहे हैं तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, अगर आपको थोड़ा सा सही विजुअल ना हो, क्योंकि लाइक पेपर का
जो यहाँ पे लिखा गया है, कॉलम बनाए गए तो आप जान ही रहे होंगे, थोड़ा सा आप समझ रहे हो कि चीज़ों को और सारे बोर्ड पे सारी विजिबिलिटी लाना। तो यहाँ बता देते हैं कि ये डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स 58 क्वेश्चन सारे बने हैं। आप देखिए एवरेज लगभग 4 के करीब क्वेश्चन आते हैं। तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स भी एक आप कम इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं समझेंगे। मैंने एक बार बताई है कि कोऑर्डिनेट और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का कंपैरिजन नहीं है। कोऑर्डिनेट एक 7 टॉपिक्स का इंटीग्रेटेड पूरा टॉपिक है और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इंडिविजुअल वेक्टर का टॉपिक है। वहां पर अगर 58 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स थ्योरी को दिया गया है। आपको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स थ्योरी आपको देखना होगा। देखिए निम्सेट में मैट्रिक्स और जेएनयू में मैट्रिक्स का अंतर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी टॉपिक आते हैं और वो बीएससी में अगर टॉपिक हैं तो वहाँ पर बीएससी हायर मैथमेटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कहने का मतलब रैंक, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठ के आएंगे। अगर निम्सेट में एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा था तो 12th लेवल मतलब IIT JEE तो दोनों का अलग अलग वहाँ के मैट्रिक्स और यहाँ के मैट्रिक्स में अंतर है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखें। तीसरा टॉपिक है प्रॉबिलिटी। प्रॉबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात समझना होगा। जेएनयू के टर्म में, जेएनयू का जब सिलेबस आप देखेंगे तो वहाँ पर सिलेबस में डिफाइन होता है कि मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स यह कहने का मतलब है कि स्टैट्स के साथ जो प्रोबेबिलिटी आती है, कहने का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस, इसके क्वेश्चन मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है कि पेपर को उठाएँ, पेपर के पैटर्न को जरूर देखें। प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय ये देखें कि बेसिक सी प्रोबेबिलिटी आ रही है, कि बेस थ्योरम की प्रोबेबिलिटी आ रही है, किस एरिया का किस सेक्शन का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा। आप उस माइंडसेट से एग्जाम के पहले ज़रूर पढ़ाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 57 कहीं भी कम नहीं है वो। बाकी आप देख सकते हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को मिला दें तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसको छू जाएगा, यानी कि अलग सा सेक्शन चला गया। और ये दोनों बातें एक साथ ली जाती हैं, अलग अलग कर दी गई हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को एक इंटीग्रेटेड टॉपिक मान के चलते हैं। तो 100 तक पहुंचे क्वेश्चन, 100 से ऊपर ये लगभग पहुंच गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, ये टॉप टॉपिक हैं। अगर आप निम्सेट की पेपर एनालिसिस को देखेंगे और जेएनयू की पेपर एनालिसिस को देखेंगे, दोनों को मैच कराएंगे तो मुझे लगता है कि जो 7 टॉपिक्स या 8 टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, मुझे ये लगता है कि डेक्टो निम्सेट में भी वही टॉपिक्स उसी ऑर्डर में रखे गए होंगे। ठीक है, कहीं भी वो सारे टॉपिक वहाँ पर इंपॉर्टेंस बनाए हुए, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस बनाए हुए हैं। बस बात एक समझना है कि निम्सेट का एक लेवल अलग है, IIT JEE से इंस्पायर्ड है। निम्सेट NITs जो है, IIT JEE या JEE मेंस का एग्जाम होता है, उसके क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। और जेएनयू का हायर मैथमेटिक्स, कहने का मतलब बीएससी और बीएससी और नेट JRF के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी यहाँ पुट रहता है और 12th का पुट रहता है। तो आपको यहाँ समझना होगा कि इस टाइप की तैयारी जब जेएनयू की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा आपको हायर मैथमेटिक्स में जाना होगा, पेपर का एनालिसिस करना होगा। पेपर 3 बार अपडेट हुआ है, तीनों बार अपडेट हुआ है। जो अभी पेपर आ रहा है वहाँ 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, क्वेश्चन का जो लेंदी थे क्वेश्चन उनको कम किया गया है, क्वेश्चन में कंप्यूटर के पार्ट को कुछ कम कर दिया गया है। तो पेपर एनालिसिस जरूर करें, पेपर करेंट का पेपर देख लें, पहले का पेपर भी देखें, अपडेशन को जरूर देखें। करेंट का पेपर को सबसे ज़्यादा आधार मानेंगे, मगर आप लास्ट ईयर के पेपर को नहीं डिनाई कर सकते। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि जो पेपर का जो कमेटी होती है, बोलनी नहीं चाहिए बात, पर वो जो पैनल होता है, वो पैनल लगभग एक माइंडसेट होता है, वो इंस्पायर्ड होता है। जब नया पैनल बनाएगा तो पहले देख लेता है कि पेपर किस तरीके से बन रहे हैं, तो वो उसी तरीके का कंटेंट ढूंढता है, उसी तरीके के क्वेश्चंस वो डालता है। तो आपको लास्ट ईयर के पेपर जरूर देखने होंगे। ये एनालिसिस कैसी लगी, इस पर बहुत सारी बातें अभी बताई नहीं जा सकती हैं। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है कि ये इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा रिफाइन की गई, ढूंढी गई है और उसको आपके सामने लाया गया है। बहुत सारे पेपर हो गए, 20 साल के पेपर हो गए, हम लोग इसको पार्ट वाइज और डिवाइड करेंगे, मोर एक्यूरेट लाएंगे। कहीं पर त्रुटि मिस्टेक लगे, हमने बोला कि बहुत मैं एक्सेप्ट, कोई भी गलती होगी मैं आराम से एक्सेप्ट करूँगा, क्यों, ये मेरी गलती हो सकता है कि किसी और को मिसगाइड करें। तो आप एनालिसिस को एक बार जरूर वेरीफाई करें, कमेंट करें। मुझे लगता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा आपने अप्रिसिएट की हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले निम्सेट से डालने से पहले जेएनयू का पेपर के एनालिसिस को डाला है आपके रिकमेंडेशन पे। ज़रूर बताते रहें कि फीडबैक कैसा लगा और किस तरीके की डिमांड है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाते समय। अब मैं जब पढ़ाता हूँ आपको फेस करता हूँ तो मुझे लगता है कि आप कैमरे के उस साइड बैठे हुए हैं, जैसे मुझे थोड़ी फीलिंग आती है क्लास के लेके। पहले मैं कैमरे को देखता रहता था और कैमरे पढ़ाता था, कैमरा कभी बात नहीं करता, ये घूरता रहता है, बट अभी लगता है कि आपका फेस दिख रहा है मुझे, क्लियर में ऐसा लगता है, मुझे फीलिंग आने लगी है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है लास्ट में कि जब भी एनालिसिस डाली जाए तो बहुत, मुझे, मैं बोला हूँ ना कि मैं खुद जान रहा हूँ कि ये एक छोटा सा पार्ट नहीं है,
ये केवल ये नहीं कि लिख दिया गया है, अगर आप सही से रियल में सोचेंगे कि सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, एक एक दो दो क्वेश्चंस को काउंट करना और फिर यहाँ लिखना, ये नहीं बोल रहा कि मैं डाल रहा हूँ, कोई भी डालेगा, कोई भी डालेगा इस टाइप का वीडियो बनाएगा तो उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया होगा। देखो एक इंस्पिरेशन वाला वीडियो होता है, एक केवल मैं बोलूँ जेन्यू में कैसी बात क्या आता है और ये आता है वो आता है ऐसे ऐसे कर दिया जाए, तो उस टाइप की वीडियो में कोई कंटेंट नहीं होता है। बात करने के लिए तो मैं बात करता रहूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लास्ट में मैं जाऊँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ कि अगर कंटेंट लाते हैं, कंटेंट के लिए उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, तो यहाँ पर रियल में बहुत काम किया गया है, लाया है, कहीं पर भी आपको लगे कि इससे और बेहतर हो सकता है, और कुछ बेहतर हो सकता है, तो मैं हम लोग कर रहे हैं तो बेहतर के लिए बैठे हुए हैं, आप बोलें सहर्ष आपका एक्सेप्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अपडेट करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ बताते रहते हैं, उनकी बातों को ज़रूर कंसीडर करते हैं, और किस टॉपिक को अभी आप डिमांड कर रहे हैं आप ज़रूर बताएं वहाँ पे कमेंट में, हम लोग उस टॉपिक को सबसे पहले प्रियोरिटी देंगे और अच्छे तरीके से लाएंगे। मेरा ये वादा है, आपके साथ एक कमिटमेंट है, अगर आप जुड़े हैं तो आगे तक चलेंगे, लास्ट तक जाएंगे, सिलेक्शन तक रहेंगे। थैंक यू।